गाइस, मैं हूं क्रूडी योगी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है मेरा बैकयार्ड और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बैड न्यूज़ और एक गुड न्यूज़। बट गुड न्यूज़ मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में, तब तक के लिए मैं आपको बताता हूं कि बैड न्यूज़ क्या है। और बैड न्यूज़ ये है कि जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था बैक का, तो उस टाइम पे मेरा बड़ा वाला कोई पॉन्ड लीक होना स्टार्ट हो गया था और उस पे वाटर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। और ये है मेरा कोई पॉन्ड और इसका पानी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ड्रॉप हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई। मेरा बैक में फ्रैक्चर था तो मैं इसको ठीक भी नहीं कर पाया और फिशेस को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। एक या दो फिशेस की डेथ भी हो गई, जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। बट अभी तक ले ये वाली सारी फिशेस सही है। और ये है अम्बाकू, ये है मच्छिंद्रनाथ, ये है शूरी, वो है आइगो और ये सारे के सारे हेल्दी हैं। बट पानी बहुत जल्दी डिक्रीज़ हो रहा है, मेरे को डेली का डेली इस पानी को रिफिल करना पड़ता है। बट पानी अराउंड 12 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है और जिस लेवल पे भी पानी है उसकी वजह से फिशेस को प्रॉब्लम आ रही है। बट ट्राई करें कि जल्दी से जल्दी पॉन्ड को फिक्स करें। और कोइंसिडेंस की बात यह है कि इसका पंप भी ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से वाटरफॉल चलता है और वो पंप काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से मैं उसे अभी नहीं खरीद सकता और मेरे को काफ़ी ज़्यादा रुपयों का लॉस हुआ है। क्योंकि जो ये पॉन्ड लाइनर आता है ये अराउंड आता है 2500 का और उसमें ऐड करेंगे अगर वो पंप, तो वो पंप भी अराउंड 3000 का आता है और ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ा है। ये मेरा अभी तक का सबसे बड़ा लॉस है। बट इन कंपेरिजन टू फिशेस की लाइफ के लिए ये कुछ भी नहीं है। मेरी दो फिशेस की डेथ हुई है, जिसमें से एक मेरी फेवरेट था मिस्टर निंजा, जो था एक ब्रास गोल्ड फिश और उसकी पार्टनर भी एक ब्रास गोल्ड फिश थी। बट वो व्हील टेल ब्रास गोल्ड फिश थी और वो आसानी से कहीं मिलती भी नहीं है। बट वो क्या कर सकते हैं, RIP टू हर एंड हम। बट गुड न्यूज़ ये है कि हम इस पॉन्ड को जल्दी से रेनोवेट करने वाले हैं और आपको जल्द ही चैनल पर दिखेगा एक ऑसम पॉन्ड। उसके लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना कि मेक द न्यू पॉन्ड #newpond। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो पॉन्ड लाइनर है जिससे हम ये पॉन्ड बनाने वाले हैं वो भी आ चुका है। आइए जल्दी से उसे देखते हैं। ये है वो पॉन्ड लाइनर और ये है अराउंड 10 feet ब्रेथ का और 18 feet लॉन्ग होने वाला है इसकी लेंथ। तो अराउंड हमारा पॉन्ड बन सकता है अराउंड 15 feet का जैसा अभी है। बट हम इसकी थोड़ी सी डेप्थ कम करने वाले हैं और पॉन्ड को थोड़ा एक्सटेंड करने वाले हैं, जिससे फिशेस बिल्कुल हैप्पी रहें और इन्हें दोबारा सफरिंग ना करनी पड़े मेरी वजह से। और फिंगर क्रॉस करता हूँ आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। और हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फिक्स करने वाले हैं पॉन्ड में और बहुत सारे प्लांट्स उगाने वाले हैं इस बार। एंड दाढ़ी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है तो इसे भी फिक्स करते हैं जल्दी से। सो, एकदम फ्रेश लुक के साथ आज ले गए हम एक फ्रेश स्टार्ट। और अभी मॉर्निंग का टाइम है एंड ये मेरी फिशेस की फीडिंग का टाइम है, तो इन्हें जल्दी से फीड भी करते हैं मेरी सारी की सारी फिशेस को। सो फिशेस काफ़ी भूखी भी हैं। ये रहा इनका फूड और मैं फूड को थोड़ा स्प्रेड कर दूंगा ताकि सारी की सारी फिशेस को मिल जाए। और सारी की सारी फिशेस अपना ब्रेकफास्ट कर रही हैं और थोड़ी देर में इनने सारा का सारा फूड खा दिया। थोड़ा सा और भी दे सकते हैं जिनको नहीं मिला। ये लो, खाओ खाओ, आओ आओ, खाओ खाओ। सो इनको कर दिया फीड, अब फीड करते हैं मेरी छोटी फिशेस को। आइए जल्दी से चलते हैं। एंड ये है हमारा छोटू सा पैरेट फिश पॉन्ड और इसमें हमारी नई नई फिशेस, वो है हमारा नया
सिकलेट जिसे कहते हैं ब्लू अकारा सिकलेट, और काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट कलर है और फिशेस काफ़ी ज़्यादा हंगरी भी है, और ये मेरी फिंगर टिप्स को काटने भी आती हैं, और ये बहुत ज़्यादा नॉटी है। ओए ओए ओए, ये सबसे बड़ा वाले पैरट का नाम है मिट्टू, बट ये इतने भी ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। जल्दी से इन्हें फीड करते हैं और मैं नहीं दूंगा ही वाला फूड, और ये हंग्री भी है काफी। सो ये पिंच ऑफ फूड और अटैक। बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है वो फिश, और मेरे पोलर पैरट तो हमेशा ही प्यारे दिखते हैं। और ये था इनका ब्रेकफास्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।